हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप लोग के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी लेटेस्ट में कुछ अपडेट्स आ रही है टीसीएस टीम की तरफ रिगार्डिंग दी ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग को लेकर। बता दो फ्रेंड, आज मेरे पास काफ़ी लोगों ने अपने स्लॉट को बुक करा था टॉप मेट पर। अगर आप लोगों को नहीं पता टॉप मेट क्या, बता दो फ्रेंड। टॉप मेट एक ऐसा साइट है जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टॉप मेट के लिंक पे आप लोग जाके अपने स्लॉट को बुक कर सकते हो। अगर आपको भी कुछ क्वेरीज है, कुछ कंसर्न है, कुछ क्वेश्चन आप लोग वहाँ से पूछ सकते हो। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया था इस चीज़ को लेकर कि सर मेरे पास कॉल आया है, मेरे पास एक ने कॉल करा है कि मेरा ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग जो जुलाई में होने वाला था, बहुत सारे लोगों 19 जुलाई में था, किसी का अदर डेट पर भी था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 19 जुलाई था, उनके ज्वाइनिंग डेट हुए हैं बेसिकली पोस्टपोन्ड हुए हैं। आप ये 22 एंड 23 मैं दोनों का ही बैच का बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मेरे पास आ चुके थे। मतलब इस चीज़ को लेकर मुझे लगा था वीडियो बनाना है, मतलब मुझे वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि दैट यस कैंडिडेट्स आर नाउ रिसीविंग द डिले ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग अपडेट्स फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द एचआर टीम। को ऑफिशियल मेल नहीं आ रहे, मेल मे भी वो सेंड करेंगे, बट अभी तक केवल कॉल्स ही आ रहे हैं एचआर टीम की तरफ से और वेरीफाइड कॉल था। ऐसे आप लोग मत समझना कि कोई फेक कॉल था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टीसीएस जुलाई फेज ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग पोस्टपोन डिले बाई 2 to 3 months फॉर जिंजा एंड डिजिटल 22, 23 एंड 22 बैचेस, न्यू ज्वाइनिंग इन अक्टूबर नवंबर, वो डिस्कस करेंगे वीडियो में। आप लोग जो इन तक बने रहना, ठीक है। कोई डाउट्स था आप लोग अपने स्लॉट को मुझसे बात करने से टॉप मेट पर बुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ को लेकर मैसेज भी करा था टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ओके। और काफ़ी लोगों इस मैंने बात भी करा, तो कुछ लोग बोल रहे थे सर आप ये डिटेल्स वगैरह मेरा शेयर मत कीजिएगा। तो कुछ लोगों ने, मैंने ऑलरेडी मैं सभी से परमिशन ले चुका था, जिन्होंने भी कहा था कि नहीं सर आप शेयर कर सकते, मैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं हाँ, मैं नाम हाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपको मैं सारी सारी इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। सर, हेलो सर, आई गोट माई ज्वाइनिंग पोस्टपोन बाय 3 months टुडे। आई गॉट कॉल फ्रॉम टीसीएस एचआर टीम एंड दे सेड आई आई ज्वाइनिंग लाइक उनका ज्वाइनिंग डेट जो था 19 जुलाई को था, आई होगा, ठीक है। आई ज्वाइनिंग डेट 19 जुलाई, एंड व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट माई न्यू ज्वाइन डेट फ्रॉम 22 बैच, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो गॉट फ्रॉम 23 बैच। ओके येस, आई एम फ्रॉम निंजा एंड माई फ्रेंड फ्रॉम डिजिटल। ओके, तो इनका एक फ्रेंड था जो डिजिटल से बिलोंग करते फ्रॉम 23 बैच, एंड ही इज फ्रॉम 22 बैच एंड फ्रॉम निंजा कैंडिडेट्स। और फिर दोनों को कॉल आए हैं फ्रॉम द डायरेक्ट एचआर टीम दैट ही गॉट दैट यू आर गोइंग टू पी योर ज्वाइनिंग इज पोस्टपोन्ड। ओके, इनका ज्वाइन 19 जुलाई था, दोनों का ही 19 जुलाई का लोकेशन था। ओके, एक का कोलकाता लोकेशन था आई थिंक सो, और एक का शायद नोएडा नोएडा था, ठीक है, एक ना नोएडा लोकेशन था। इनसे मेरे कॉल से काफ़ी लंबा बात हुआ था, फिर मैंने बोला था कि आप जो भी मुझे बताओ एप मुझे एक मैसेज कर दो ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि आप लोग फिर बिलीव करोगे नहीं। ओके, ये पूरा फुल इन्फॉर्मेशन है कि लोगों को यहाँ पर ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग के पोस्टपोन्ड के कॉल आ रहे हैं। ओके, आप लोग थोड़ा सा रेडी रहना। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग कैंडिडेट्स एंड इज मैंडेटरी फॉर राइटिंग आईपी एग्जाम। मैंने आपको पहले ही बता चुका था फ्रेंड, आप लोग को देखो आई एम अगेन रिपीट द सेम लाइन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके सी फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव लाइक इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट द आईपी एग्जाम, इट्स नॉट लाइक दैट इफ यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। इफ यू आर अटेंडिंग द एफसीक्यू एग्जाम ना दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। यू हैव लाइक यू जस्ट थिंक वन थिंग, यू जस्ट राइट द एग्जाम एंड यू जस्ट क्वालिफाई द एग्जाम। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू हैव टू स्कोर 90%, 95%, नो, जस्ट अटेंड द एग्जाम। दिस इज अ फ्री एग्जाम, ओके, दिस इज ऑफलाइन एग्जाम 100% बिकॉज दिस इज अ आई पी ए नॉट अ सी पी ए, सो यू हैव टू विजिट द लोकेशन। एंड इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द कोडिंग ना देन यू जस्ट अटेंड द एम सी क्यू पार्ट, यू कैन इजली गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स। एंड इफ यू वॉन्ट अ प्रिपरेशन जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लोरर प्रोग्राम, यू विल गेट इजली गेट टू नो वाट अ क्वेश्चन दे विल आस्क। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, नॉट टेलिंग यू दैट यू हैव टू गेट अ 40,000 रुपीज फॉर स्कोरिंग 80+, एंड फॉर 60+, 55+ यू हैव टू गेट अ 20,000 टू जस्ट स्कोर दिस, यू हैव टू जस्ट यू जस्ट गेट दिस स्कोर। आई एम नॉट टेलिंग दिस लाइन, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट जस्ट राइट योर एग्जाम जुलाई आई पी एग्जाम इफ यू वॉन्ट दिस जुलाई लाइक इफ यू वॉन्ट ज्वाइनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई एम टेलिंग यू दिस लाइन, ओके, हैव यू कैन सी Clearing this assessment help you with a smooth flow of training and qualify you as a business ready, which also help you to onboarding along with the other benefits. अब आप बोलोगे सर माई फ्रेंड गॉट ज्वाइनिंग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड पहले वाले वीडियो में दैट मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर के पास मेल आ रहे हैं दैट ही गॉट ज्वाइनिंग एंड ही डिडंट राइट एनी आईपी एग्जाम। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो आईपी एग्जाम लिखने के बाद भी उनका ज्वाइनिंग नहीं आया है, ये पहले का था। देखो, टीचर्स हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहती है, उनका बिजनेस डिमांड्स पर नीड करता है। पहले वो आईपीए मैंडेटरी उन्होंने नहीं करा, सभी को ज्वाइनिंग मिला, और जिन्होंने आईपी एग्जाम लिखा अच्छा स्कोर आया उनके पास ज्वाइनिंग नहीं मिला। अभी क्या है, आईपी एग्जाम लिखोगे ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ अटेंड करने में कुछ जाता नहीं एग्जाम। अगर आपको चाहिए प्रिपरेशन की वीडियो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग की प्रिपरेशन के सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी ज्वाइनिंग पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं,
रीजन ये भी हो सकता है कि मे भी उन कैंडिडेट्स ने आईपी एग्जाम नहीं लिखा होगा, क्योंकि मैंने उनसे जब पूछा कि क्या आपने अपने आईपी एग्जाम लिखा था, तो उन्होंने कहा था नहीं सर मैंने नहीं लिखा था, और व्हाट अबाउट योर फ्रेंड देन से दैट आई डोंट नो। ओके, ये भी एक रीजन हो सकता है। देखो रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, बट आपको अपने तरफ से पूरा 100% रेडी रहना है दैट यू हैव टू क्लियर कंप्लीट योर एक्सप्लोरर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड यू हैव टू राइट द एग्जाम इफ यू वांट ज्वाइनिंग इन दिस मंथ। ओके, ये आपको मैं छोड़ता हूँ, आपको अगर चाहिए ज्वाइनिंग मंथ में जुलाई मंथ में तो आप लोग लिखो आईपीओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके आपको कंपनी मेल वगैरह कर देगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा फिर आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट, रिमेनिंग कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग भी आप आने वाले मंथ में मतलब देखने को मिलेंगे, जुलाई में भी मंथ में भी ज्वाइनिंग हो रहे हैं लोगों का, ऑनबोर्डिंग अब डिले हो रहा है तो अक्टूबर नवंबर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपका एक एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आपका अक्टूबर नवंबर भी होगा, एक टाइमलाइन दिया गया है, उसके पहले भी जब उनका बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होगा वो आपको सेट कर देगा। ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग वेट करना ना कब तक न्यू डेट्स आपको आता है, जो भी हमारे पास अपडेट्स है मैं जरूर शेयर करूंगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक मंथ वन मंथ तो डिले वो कर ही देंगे, लेकिन आप लोग अपने साइड से नॉट ज्वाइनिंग को रिशेड्यूल मत करना, क्योंकि दूसरा ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाला है। हाँ अगर कंपनी अपने साइड से पोस्टपोन कर रही तो एक मंथ के अंदर में मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाता है, बट यहाँ पर उन्होंने 2 से 3 मंथ मांगे हैं, तो देखो क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद। और मैं टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन से जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो।